मुहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत का सबसे पढ़ा लिखा शासक है। वो हाफिज़ कुरान था, दीनी इल्म का जानकार था, अरबी फारसी जानता था, दीनी किताबें पढ़ता था और उसे इतिहासकारों ने विलेन बना दिया। आखिर क्यों? इसलिए नहीं कि उसने सांकेतिक मुद्रा शुरू की, क्योंकि ऐसा करना उसके दूरदर्शी होने को बतलाता है। इसलिए भी नहीं कि उसने अपनी राजधानी बदल दी, क्योंकि बहुत से शासकों ने राजधानी बदली है। उसे विलेन इसलिए भी नहीं बनाया गया कि उसने मध्य एशिया पर चढ़ाई का सपना देखा, क्योंकि अशोक तो मध्य एशिया तक भी पहुंच चुका था। इतिहासकार उसे विलेन सिर्फ इसलिए दिखाते हैं क्योंकि उसने इस्लामी समानता को लागू करने की कोशिश की और जातिवाद पर प्रहार किया, और उसकी इस समानता के सिद्धांत को लागू करने के कारण यहाँ के लोगों ने बड़ी तादाद में इस्लाम कबूल किया। इतिहासकारों ने मोहम्मद बिन तुगलक को विलेन के रूप में इसलिए दिखाया है क्योंकि तुगलक ने तेलंगाना के राजा रुद्रदेव के एक नौकर जिसने निजामुद्दीन औलिया के हाथ पर इस्लाम कबूल किया था, उसे मुल्तान और बदायूं का गवर्नर बना दिया। फिर एक गवैये को गुजरात मुल्तान और बदायूं का हाकिम बना दिया। एक माली को सिंध का वजीर बना दिया। एक गुलाम को गुजरात का वजीर बना दिया। एक कलाल को मालवा का सरदार बना दिया। हजाम नानबाई और जुलाहे को अपने सलाहकार बना लिया और विजारत दी, और उन सभी जातियों के लोगों को ऊंचा ऊंचा ओहदा दिया। उसके इस बर्ताव से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने इस्लाम कबूल किया। यही वो वजह है जिसके कारण भारत के नस्लवादी इतिहासकार मुहम्मद बिन तुगलक को विलन बनाकर पेश करते हैं, क्योंकि वह एक न्यायप्रिय राजा थे।